बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ ये जो किट आप लोग देख रहे हैं सिर्फ 3,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस, और इसको ग्रो करने की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज आगे ये फ्यूचर है। अच्छा, ये फ्यूचर है इस देश का। इस 3,000 ये किट से आप थोड़ा सा उस पर काम करके फाइनल प्रोडक्ट बना के 10,000 तक भी कमा सकते हो, और इससे काफी आपको मुनाफा होगा। और ये 3,000 का इन्वेस्ट करके हम लोग 10,000 जनरेट कर सकते जी बिल्कुल बहुत आराम से। जी हाँ, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस लेकर आया, ऐसा ही बिजनेस आइडिया लेकर आया जिसमें आप एक छोटा सा सेटअप, जी आप देख सकते हो कि इतने छोटे से टेबल पर आप एक बिजनेस किट लेके, 3,000 रुपए की बिजनेस किट लेके आप एक घर बैठे एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। और दोस्तों, इस बिजनेस किट से जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। जी हाँ, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, जैसे जैसे अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रही है, अलग अलग जैसे जैसे इवोल्यूशन होते जाता है ना, वैसे अलग अलग न्यू प्रोडक्ट्स आते जाते हैं और उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। तो वैसा ही आप एक यूनिक प्रोडक्ट आप इस बिजनेस किट से बनाकर मार्केट में बेच सकते हो और डबल ट्रिपल मुनाफा कमा सकते हो। और इसमें जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ना, वो बहुत कम लगती है और मार्जिन इसमें बहुत ज्यादा है। और दोस्तों, सर के साथ जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं ना, वो आज आप पहली बार देखने वाले हो पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक, पूरे इंस्टाग्राम पर। आपको ऐसा बिजनेस कभी किसी ने दिखाया नहीं होगा। हेलो एवरीवन, मैं गौरव डिंगरा, ये मेरे पिताजी हैं मिस्टर नीरज डिंगरा, ये आपके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले आए हैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं उनकी तरफ से आज प्रेजेंट करूंगा, सो दैट आप लोग भी हमारे साथ ग्रो कर पाए। तो क्या बिजनेस है वो जरा बताइए, और इससे हम लोग कैसे फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं वो भी समझाइए। सो काफी टाइम से आपने देखा होगा शॉप्स के आगे पेंटिंग से पहले पेंट से बनाए जाते थे साइन बोर्ड, उनके नाम लिखे जाते थे। उसके आगे आगे फिर फ्लेक्स बोर्ड्स आए, फिर अब LED बोर्ड्स आए, अब ये फ्यूचर है। तो आजकल जो सबसे ज्यादा डिमांड में है वो है नियॉन प्रोडक्ट, जिसके थ्रू आप कोई भी साइन, कोई भी प्लेटर, जिसको हम कस्टमाइज करके हम अपने प्रोडक्ट को आगे बेच सकते हैं, आगे किसी भी दुकानदार को, किसी भी घर में, किसी भी डेकोरेशन के, इवन गिफ्ट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये जो नियॉन LED साइन बोर्ड्स हैं, इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जो कि हर बंदा चाहता है उसकी शॉप के आगे लगा हो। वो उसको, उसकी दुकान को, उसको ब्रांड को काफी कैची बनाता है और उससे कस्टमर काफी अट्रैक्ट होता है आजकल। तो इसकी डिमांड शॉप टू है ही, बट आजकल लोग अपने घरों में भी यूज करते हैं, जैसे अपने बेडरूम में या अपने ड्राइंग रूम में गुड वाइब्स करके, हैप्पी प्लेस करके लोग काफी यूज कर रहे हैं। इवन शादियों में भी इसको काफी यूज किया जा रहा है, गॉट एंगेज्ड, जस्ट मैरिड, मेहंदी फंक्शंस में, अलग अलग फंक्शंस में। और तो और ये गिफ्ट के तौर भी यूज करा जा रहा है, लाइक हैप्पी बर्थडे हो गया, जस्ट एंगेज हो गया, किसी के एनिवर्सरी है हैप्पी एनिवर्सरी हो गया, स्टे टुगेदर हो गया, इस तरह से काफी तरह से यूज हो रहा है। और तो और आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया साइट्स है, काफी क्रेज देखा होगा। जहां तक आपने देखा होगा, जो हमारे यूट्यूब भाई हैं, इंस्टाग्रामर हैं, काफी इसको यूज कर रहे हैं अपने वीडियोस के पीछे यूज करके, या फिर अलग अलग एड्स में काफी आप इसको देख पा रहे होगे, हर जगह फैला हुआ है। तो इस बढ़ती हुई डिमांड को आप पूरी कर सकते हो हमारी ये छोटी सी बिजनेस किट लेके, इससे नियॉन साइंस बना के आप बिल्कुल उस डिमांड को पूरा कर सकते हो और दुगना तिगना, जैसा कि मैंने कहा, आप मुनाफा कमा सकते हो। तो दोस्तों, सर आगे हमें बताएंगे ये जो छोटी सी जो किट है बिजनेस किट, उससे आपको जो LED नियॉन लाइट्स है वो कैसे एकदम फिनिश प्रोडक्ट कैसे आपको बनाना है, उसके बाद उसको मार्केट में सेल कैसे करना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, बना तो सब लेते हैं, बेचना कैसे, बेचने के भी ट्रिक्स एंड टिप्स बताएंगे, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, प्रॉफिट कितना होगा, सारी A to Z जानकारी रहने वाली है। तो वीडियो में आप एक एक सेकंड तक जरूर बने रहिए। जैसा भी हमें कस्टमर से ऑर्डर मिलेगा, कस्टमाइज ऑर्डर मिलेगा, हम उसके अकॉर्डिंग शीट का सबसे पहले कट कर लेंगे। तो ये हमने शीट कट कर लिया है। ये कौन सा शीट होता है सर? ये एक्रेलिक शीट होता है, जिसकी थिकनेस हम जनरली 4 mm या 5 mm कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स बनाने, नियॉन साइन बोर्ड्स बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीन की, लेजर कटर मशीन की जरूरत पड़ती है, तो उसकी जरूरत यहाँ कुछ नहीं पड़ेगी। हम आपको एक छोटे से कटर से ही बता देंगे कैसा इसको काटना है, कैसा फिनिशिंग के थ्रू इसको काटना है, सो दैट आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। और ये हमने जो कस्टमर की डिमांड थी 2x2 की, 2x2 के अकॉर्डिंग, 2x2 का साइन बोर्ड चाहिए, हाँ उसको 2x2 का साइन बोर्ड चाहिए, 2x2 स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है। तो ये एक रैलिक शीट है, इसका एक कवरिंग ऊपर से निकल जाता है जब हम कस्टमर को फाइनल देंगे, सो दैट इसमें कोई स्क्रैच वगैरह ना है। इसके लिए कवर होता है, एक ऊपर लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है, इसको स्क्रैच से बचाने के लिए। तो देखिए, कटिंग के बाद हम आते हैं डिजाइनिंग पर। तो कस्टमर ने जो भी आपको ऑर्डर दिया, पहले आपको समझना है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके थ्रू समझने के बाद आपको कॉरल पे उसको ड्रॉ करना है। तो कस्टमर को अपने सिस्टर को हैप्पी बर्थडे प्रिया करके एक गिफ्ट करना था, ये बेसिकली उस कस्टमर गिफ्टिंग पर्पस के लिए है। तो हमने डिजाइन कर लिया है अपना एक डिजाइन, हैप्पी बर्थडे प्रिया। तो ऐसे हम लोग कोई भी नाम डाल सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे शॉप का नाम आ गया, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई भी नाम, कोई भी डिजाइन, कोई भी फिगर हम यहाँ डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा नियॉन को। और ये 2x2 के हिसाब से डिजाइन हुआ है? हाँ, ये डिजाइन 2x2 के हिसाब से ही हुआ है, ताकि आपको डिजाइनिंग करते हुए कोई छोटा बड़ा ना। और ये सॉफ्टवेयर कोई भी सीख सकता है आसानी से? बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी सीखना है इसको। हम उसमें जो आपको ट्रेनिंग देंगे उसमें ये भी सिखाएंगे इसका बेसिक यूज कैसा है आपको डिजाइनिंग के लिए। ठीक है, ओके। अभी जो हमने, जैसे कि हमने आपको दिखाया हैप्पी बर्थडे का जो
आउटपुट है वो हम इसी प्रिंटर से प्रिंट करेंगे। तो सर अगर किसी के पास प्रिंटर वगैरह ना हो तो फिर वो क्या करेगा? अगर किसी के पास प्रिंटर नहीं भी है तो भी आप किसी पास की फोटो सेट शॉप पे जाइए, इसका जो हमने आउटपुट बनाया है उसका पीडीएफ कॉपी निकाली और वहां जाके प्रिंट करा लीजिए। जैसे कि आपका 2-3 रुपए जो भी कॉस्ट चार्ज करते हैं उसी कॉस्ट में आपका ये आउटपुट तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा भी प्रिंट्स हो गए हैं, इसको हम अभी एक्रेलिक शीट को हटाएं, ये इसको हटा के इसके नीचे लगाएंगे सो दैट इस पे हम एलईडी स्ट्रिप को ट्रेस कर सकें। तो ये स्टिकर हटा दिया है, इसके बाद जो हमने प्रिंटआउट्स निकाले हैं वो पेस्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो जितने भी पेपर्स थे हमारे, जो हमारा मैटर था हैप्पी बर्थडे प्रिया, उसको हमने A4 शीट से यहाँ ज्वाइन कर लिया और हम इसको हम ट्रेसिंग के लिए इस पे अब चिपका रहे हैं। तो इस पेपर के थ्रू हम LED स्ट्रिप इस पे लगाएंगे, तो ये पेपर एज अ रेफरेंस ही यूज़ होता है सो दैट जो उसका फॉन्ट है वो प्रॉपर आए, कहीं भी कुछ बिगड़े ना। अभी हम इसको पलटेंगे स्ट्रिप को चिपकाने के बाद। ओके और अभी हम इसको रिमूव करेंगे जिस पे हम LED स्ट्रिप को चिपकाएंगे उसी पेपर के रेफरेंस के थ्रू। तो आप देख सकते हो पूरी ट्रेसिंग के लिए हमारा पूरा मैटर आ गया, हैप्पी बर्थडे प्रिया। अब इसी के ऊपर हम LED जो हमारी नियॉन स्ट्रिप है वो लगाएंगे, इसके रेफरेंस को ले लेके हम अपना LED स्ट्रिप जो होगा वो चिपकाते जाएंगे, जो नियॉन स्ट्रिप है इसके थ्रू हम प्रॉपर आउटपुट ले सकते हैं। तो ये हमारी LED स्ट्रिप होती है रस्सी की तरह, इसको हम जैसे मर्जी शेप दे सकते हैं, इसलिए हम कस्टमाइज़ कर पाते हैं इसको। तो जलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखती है कस्टमाइज शेप के अकॉर्डिंग, क्या था जैसे जैसे नीचे शेप है हम वैसे वैसे उसके अकॉर्डिंग LED स्ट्रिप को काटते जाएंगे और वहाँ पेस्ट करते जाएंगे। हमने LED शेप उसी शेप का काट लिया है और हम उसको सुपर ग्लू के थ्रू चिपका रहे हैं। ये ग्लू भी बहुत स्ट्रांग रहता है, कुछ ही सेकंड्स में चिपक जाता है। इसी लाइन के थ्रू हम लाइन बाय लाइन चलते जाएंगे, जो भी लाइंस इन आउटपुट में है इससे आपका कोई डिज़ाइन नहीं बिगड़ेगा और परफेक्ट शेप आएगा। हम लाइन बाय लाइन ही चल रहे हैं प्रॉपर आउटपुट लेने के लिए। इसी तरह हम पूरा जो हमारा मैटर है कंप्लीट करेंगे। ये बहुत स्ट्रांग रहता है, इसको हम जितना मर्जी हिला लें ऊपर उठा लें निकलेगा नहीं और कुछ ही सेकंड में चिपक जाता है। ये नियॉन LED से हमें कर्व्स कैसे देने हैं, शार्प कर्व्स कैसे देने हैं, एक दूसरे को ज्वाइन कैसे करना है, यहाँ कटिंग कैसे देनी है अलग अलग, ये आपको पूरा ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। अभी हैप्पी की आउटलाइन हमने कंप्लीट करी, इसी के ऊपर लाइन बाय लाइन हम नियॉन LED स्ट्रिप चिपकाते जाएंगे तो हमारा पूरा नियॉन बोर्ड तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो पूरा हैप्पी बर्थडे प्रिया के ऊपर हमने जो नियॉन के LED स्ट्रिप है हमने चिपका दिया है, ये पूरा रेडी हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। अभी इसके ऊपर हमने पूरे नियॉन LED स्ट्रिप्स तो लगा दिए बट अब ये जलेगा कैसे, इस तरह के से आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? तो इसके लिए हमें ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कनेक्शन करने पड़ेंगे, तो आगे हम आपको वो दिखाएंगे। हमने आइस ब्लू कलर का यहाँ LED स्ट्रिप नियॉन LED स्ट्रिप लिया हुआ है बट आप कस्टमर के डिमांड, कुछ कस्टमर डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कलर्स के, जैसे उसको पिंक ग्लो चाहिए तो पिंक यूज़ कर सकता है, रेड ग्लो चाहिए यूट्यूब का साइन होता है इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो, ब्लू ग्लो चाहिए तो ब्लू यूज़ कर सकते हो। अलग अलग डिफरेंट कलर्स के हमारे पास LED स्ट्रिप मिल जाएंगे, कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है रॉ मटेरियल के लिए, चाहे आप एक्रेलिक शीट लो, चाहे आप नियॉन स्ट्रिप्स लो, चाहे आप ड्रिल मशीन लो, चाहे आप ये कटर्स लो, हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो हमारा भी ये LED स्ट्रिप हमने सारा चिपका दिया है, अभी हमें इसमें ड्रिलिंग करना पड़ेगा सो दैट जो वायरिंग कनेक्शंस हैं पीछे जाएं, आगे कुछ भी ट्रांसपेरेंट ना हो, आगे सिर्फ मैटर दिखे। तो वायरिंग की वजह से इसकी कोई शो खराब नहीं होगी, सारे वायर्स पीछे चले जाएंगे, जितने भी LED स्ट्रिप हैं उन्हीं की बैक साइड में हम वो वायर्स लगाते रहेंगे सो दैट आगे कोई शो खराब ना हो मैटर की। सब जगह ड्रिलिंग करके इसकी वायर सारी पीछे ले जाने के लिए सब जगह होल्ड कर देंगे। तो अभी हम इसको पूरा पलटाएंगे ताकि हम इसको पीछे की साइड पूरी वायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें। अभी हम ये सारे होल टू होल सारे कनेक्शन करेंगे पीछे से एक सर्किट बनाने के लिए। तो ड्रिलिंग वाला प्रोसेस करने के बाद हम ये पेपर निकाल देंगे ताकि हम इसमें वायरिंग का कनेक्शन कर सकें। जो हमने ड्रिलिंग मशीन से होल किए सबकी जो जितने भी वर्ड्स बने उनकी वायरिंग कनेक्शन के लिए जो भी हमने होल किए हैं उसके लिए वायरें यहाँ सारी आ रही हैं। आप देख सकते हो जैसे कि ट्रांसपेरेंट वायर होती है, जो हमने होल किए थे उसके LED स्ट्रिप कनेक्शन करके उनसे बाहर निकालेंगे ताकि आगे कुछ भी विजिबल ना हो। तो कैसे हम होल के थ्रू इसको बाहर निकाल के फिर पीछे वायरिंग पूरी कर रहे हैं इसका, जो हमने ड्रिल किए थे सारे कनेक्शन निकल रहे हैं, अब इनको हम ज्वाइंट करना है ताकि वो एक कनेक्शन बना के हम इसका आउटपुट ले सकें।
हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम आउटपुट के लिए एक ये फीमेल आउटपुट और साथ में हम ये अडेप्टर जो हम आपको किट पे भी देंगे ये यूज़ करेंगे ताकि हम इसको ग्लो कर सकें और आपको ये इस तरीके से आउटपुट आ सके। इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करते हैं, पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और इसको हम जला के दिखाएंगे आप। ये जल गया है बिल्कुल फिनिशिंग से, ये LED बोर्ड हमने तैयार किया है बिल्कुल डिसेंट लुक के साथ। आपको बिल्कुल परफेक्शन तभी मिलेगी जब आप इसमें काम करोगे और आउटपुट तभी आएगा जब आप इसमें थोड़ा सा अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट करो। सारे लेटर एक जैसे ग्लो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ कम ग्लो कर रहा हो ज़्यादा ग्लो कर रहा हो, सबकी लाइनिंग एक है, सबकी अलाइनमेंट ठीक है, कोई भी कट फिनिशिंग के साथ, सभी कट फिनिशिंग के साथ किया हुआ हमने, कहीं आपको गैप नहीं दिखेगा और कहीं भी आपको वायर भी विजिबल नहीं होगी, तो परफेक्ट आउटपुट आपको ऐसे ही मिलेगा। तो सर अब ये बिजली कितनी खाता है, जैसे ये ब्रांडिंग में यूज होगा, घर में यूज होगा, कहीं ना कहीं यूज होगा, तो ये कंटिन्यू ऑन रखना पड़ेगा, तो ये बिजली कितना खाता है? इसके साइज पे डिपेंड करता है। अगर सपोज हम 2x1 का जो हम आपको साइज दे रहे हैं वो लेके चले, अगर ये पूरे दिन भी चलता है तो मुश्किल से एक यूनिट बिजली खाएगा, सिर्फ एक यूनिट। हाँ जी, तो अभी ये मार्केट में आप सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी है, कस्टमर को आपको इसको हैंड ओवर कर सकते हो और आपको बेस्ट ही हमेशा और फीडबैक अच्छे ही मिलेंगे इसके लिए। तो सर अभी आपने दिखाया कि हम लोग जो नियॉन LED लाइट्स है वो कैसे बनते हैं ये बिजनेस किट, बट अगर हमारे व्यूअर्स को ये बिजनेस शुरू करना तो इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी और ये जो बिजनेस किट है उसमें कितने ये नियॉन LED लाइट्स बन सकते हैं, उसका रॉ मटेरियल वगैरह क्या क्या आएगा वो जरा बताइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो इसका मिनिमम बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, इस बिजनेस किट की कॉस्ट है वो आपको 3000 प्लस शिपिंग अमाउंट जो भी जिस जहाँ भी जगह जैसे भी जगह ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी हो जाएगा। तो जिसमें हम इंक्लूड करेंगे, जो आपको फिर भी एक डिटेल थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्रेलिक शीट आएगी आपके पास 5। अच्छा। जिसको जो हम 2x1 की कटिंग में देंगे, 2 फुट x1 स्क्वायर फुट के हिसाब से इसका आएगा। साथ में आपका अडाप्टर आएगा पाँचों के लिए, ड्रिल मशीन आएगी, नियॉन लाइट आएगी, कटर्स आएंगे जो टूल्स हम बेसिकली यूज करते हैं नियॉन लाइट बनाने में, एल्फी, सोल्डरिंग वायर, जो भी मतलब जितना भी आपको बेसिक चाहिए वो सभी इसमें इंक्लूड होगा, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, आप फाइनल प्रोडक्ट बना सकें। तो इसमें आप 2x1 की 5 LED लाइट्स बना सकते हो। इसके साथ मैंने आपको एक्रेलिक शीट कटर भी दे रहा हूँ, अगर आपका कोई डिमांड है, कोई बिजनेस डिमांड है या कोई कस्टमर कहता है, इसको आप बीच में से काट के 1x1 की भी बना सकते हो, ये आपको बेनिफिट है। तो मिनिमम 5 शीट तो है ही, आप उसको बीच में से कट करके और उसको आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं कि कितना काम आप बना सकते हो, तो आप 10 स्क्वायर फीट नियॉन लाइट का जो आपका मटेरियल है वो आपको साथ मिलेगा, जिससे आप अपना एटलीस्ट बेसिक स्टार्ट कर सको, आपको पता लग सके कि आप कहां तक जा सकते हो। तो इसके बाद जितना आपको रॉ मटेरियल लगेगा, जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी, आपके ऑर्डर्स आएंगे, उतना आप मंगवा सकते हो ऑर्डर करके। तो इसी के साथ हम एक वन टाइम ट्रेनिंग फीस भी लेते हैं, जो कि है 2000 रुपये, वो हमसे एक बार चार्ज करेंगे, जिसमें आपको पूरी ट्रेनिंग देंगे, कैसे बनाना है, कैसे फिनिशिंग देनी है, कैसे आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाओगे सर? तो ट्रेनिंग में बेसिकली हम आपको पूरा डिटेल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपको बताएंगे कैसे नियॉन लाइट्स आपको बनानी है, उसमें आपको कैसे कर्व्स देने हैं, कैसे फिनिशिंग देनी है, साथ ही साथ जो कनेक्शंस हैं, जो जो सर्किट कनेक्शन है, वो सभी हम आपको बताएंगे कैसे होगा, कैसे आप उसको एफिशिएंटली पूरी, क्योंकि इसमें सर्किट कनेक्शन रहता है कि आपको पूरा जो बोर्ड है उसको एक जैसा कैसे उसको जलाना है। कई बार क्या होता है, एक में कम आता है लाइट, दूसरे में ज्यादा आता है, तो वो हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, टेक्निकल ट्रेनिंग होगी, जो ऐसा कुछ नहीं है जो कोई बेसिक आदमी इसको कुछ नहीं आता वो नहीं समझता, बहुत बेसिक ट्रेनिंग है, हर कोई कर सकता है। तो ट्रेनिंग में हम आपको ये भी बताएंगे, जैसा कि आपने देखा कि प्रिंटर से हम इसका जो आउटले है वो प्रिंटर से निकालते हैं, अब उसका बेसिक साइज होता है A4 शीट, बट आपको जैसे बड़ा भी बनाना है तो आपको उसमें बड़े स्केल पे बनाना है, जैसे 5x2 का शीट हो गया, 10x2 का शीट हो गया, बड़े बड़े शीट्स हैं, उसका भी उसमें एक जुगाड़ है, आपको पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है बड़ी बड़ी लेजर मशीन पे या CNC मशीन पे, उसके लिए भी हम आपको जुगाड़ बताएंगे कि प्रिंटर के थ्रू ही बेसिक सबसे बेसिक ट्रेनिंग में सिखा, वो सारा हम ट्रेनिंग में सिखाएंगे। तो इसमें कई और टिप्स एंड ट्रिक्स भी होते हैं, जैसे हम ग्लू से या एल्फी से आपके नियॉन चिपकाते हैं तो फैले ना, गंदा ना हो, उसके एजेस कैसे कट करने हैं, वो सब हम आपको सिखाएंगे। आपको हम इतना ट्रेन कर देंगे कि कहीं भी कुछ भी आपको ऑर्डर मिले आप उसको फुलफिल कर पाओगे, कहीं अटकोगे नहीं। तो हमारे पास अलग अलग बिजनेस मॉडल है जिसके बेसिस पे आप काम कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ सर ने एक्सप्लेन किया, ये एक बेसिक किट लेके जिससे आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आप अपनी नियॉन लाइट या नियॉन साइन बोर्ड बना के बेच सकते हो। साथ ही साथ आपको बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप इन सब में इतना टेक्निकली नहीं जाना चाहते हैं या फिर इस बिजनेस को हैंडी नहीं रखना चाहते हैं, आप हमें बल्क ऑर्डर भी दे सकते हो अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग, अपना प्रॉफिट रख के हम आपको बल्क ऑर्डर में हेल्प कर सकते हैं। सारा बनाना हमारा होगा, सारा कस्टमाइजेशन हमारा होगा, आपको बस ऑर्डर लेना हमें देना है और आप जो भी कमीशन चाहें आप अपना बीच में रख सकते हैं। अगर आपको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, कोई भी दर्शक, कोई भी ऑडियंस हमारी अगर आपको डायरेक्ट ऑर्डर देना चाहे वो भी दे सकते हैं, बट ऑब्वियसली उसमें वो आपको MRP पे ही जो आपका साइन बोर्ड होगा वो मिलेगा। बट उसको कस्टमर कैसे मिलेंगे इसके, राइट? कस्टमर उस हमारी व्यूअर्स तक कैसे पहुंचेंगे अगर वो बिजनेस शुरू कर रहा है, मार्केटिंग कैसे करना है? कि हर एडवर्टाइजमेंट में, हर डेकोरेशन में नियॉन लाइट रहेगा ही रहेगा। तो आप इसको प्रमोट कर सकते हैं बहुत आसानी से, इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह रील वगैरह बना के, आजकल काफी ट्रेंड में भी है।
आप अपने आजू बाजू जितने भी जो सेलर्स हैं, शॉप्स हैं, उनको कह सकते हो कि आप ऑर्डर लें और आप हमें ऑर्डर दें, उनको कमीशन दे सकते हैं, उनको कमीशन दे सकते हैं। तो जो इंटीरियर डिजाइनिंग वाले हैं, जैसे शॉप्स की होती है या फिर घर की होती है, इवन इवेंट मैनेजमेंट जो लोग होते हैं उनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे आप बल्क ऑर्डर ले सकते हो, काफी ट्रेंड में है, हर जगह यूज कर सकते हो। तो सर अभी मेन बात है प्रॉफिट की। अगर समझो कोई ये बिजनेस किट लेके अपना नियॉन एलईडी का काम शुरू करता है, जब वो बनाएगा और जब मार्केट में बेचेगा, तो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो कितनी आती है, और इसमें समझो एक नियॉन एलईडी पे कितना प्रॉफिट निकल जाता है वो जरा बताइए। इस प्रोडक्ट के लिए आप कस्टमर को 800 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज कर सकते हो, बाकी कस्टमर की डिमांड पे, कस्टमर की कस्टमाइज कैसा बनवा रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ता जाएगा स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो इस काम में आप अपना एवरेज प्रॉफिट, अगर बेसिक सबसे बेसिक में हम जाएं एक स्क्वायर फीट में 500 से 800 रुपए भी आप अपना मार्जिन कमा सकते हो। तो ऑनलाइन अगर आप ये डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हो तो आप उसमें आराम से 1000 से 1500 प्रॉफिट कमा सकते हो सिर्फ एक शीट पर। तो अगर आपने दिन का 5 से 10 शीट भी बनाया तो आपका एक दिन का 10000 प्रॉफिट, जो प्योर प्रॉफिट है, वो आराम से बन जाता है। तो दोस्तों अगर आपको भी नियॉन एलईडी साइन बोर्ड्स बनाने का बिजनेस शुरू करना है तो सर के कंपनी का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।